माय नेम इज आमिर मुर्सलीन और एडीएस के पहले लेक्चर के साथ आज हम जो है अपनी आईटी का आगाज करेंगे, जिसमें जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रीटेंडिंग टू ऑर्डर और बिल्ड अ कस्टम बिल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसमें हम देखेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। यानी हम इसमें देखेंगे इन व्हाट ऑर्डर वुड कंपोनेंट्स बी पुट टुगेदर टू बिल्ड अ कस्टम डेस्कटॉप कंप्यूटर। यानी यहाँ पर हम समझेंगे कि आपको कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा, और उन पार्ट्स को जब आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, तो फिर आपको पार्ट्स दिए जाएंगे, उन पार्ट्स को आपस में जोड़ के आपने कंप्यूटर को बिल्ड करना है। यानी सिंपल इज दैट कि अगर कोई शख्स आपको कंप्यूटर के पार्ट्स भेज देता है बजाय कंप्यूटर के, और आपके पास टेबल के ऊपर बहुत सारे पार्ट्स पड़े हुए हैं जिसमें इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर जो है वो जुड़ा हुआ नहीं मिला आपको, बल्कि उसके पार्ट्स आपको दिए गए हैं और वो पार्ट्स आपको जो है जोड़ने हैं और एक कंप्यूटर को बनाना है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि नाउ लेट्स सी हाउ यू वुड ऑर्डर अ कस्टम बिल्ड डेस्कटॉप पीसी और इवन बिल्ड वन योरसेल्फ। यहां पर हमें कंप्यूटर को ऑर्डर करेंगे या फिर हमें पार्ट्स दिए जाएंगे जिसको हम यहां पर खुद से बिल्ड करेंगे कंप्यूटर को। यहां पर मैं आपको इसको थोड़ा सा रीड करके बता देता हूं कि भी इसमें क्या है। रिमेंबर द पर्पज ऑफ दिस टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द इंटरनल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। यहां पर हमारा मकसद सिर्फ कंप्यूटर की अंदरूनी काम को सीखना है, सो दैट यू विल बी नॉलेजेबल अबाउट यूजिंग वन एंड बाइंग वन, ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता चल जाए कि कंप्यूटर को खरीदते वक्त हमें किन चीजों को मद्देनजर रखना होता है। If you were going to build in yourself, अगर आप खुद एक कंप्यूटर बनाना चाहें, you would pretend that someone had acquired the PC components for you from a catalog company and that you are now sitting at a table about to begin assembling them. और अगर आप खुद कंप्यूटर बनाना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर को किसी भी जगह से मंगवा सकते हैं, ठीक है, और वो आपको कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स भेज देंगे। अब आपके कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स आपके टेबल पर मौजूद हैं और अब आपने उनको आपस में जोड़ना है। बिगिन असेंबलिंग देम का मतलब अब आपने उनको आपस में जोड़ना है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको बहुत सारे पार्ट्स जो है वो भेज सकती है, तो आपके पास उन पार्ट्स को जोड़ने के लिए मुख्तलिफ तरह के टूल्स चाहिए, जिसमें आपके पास स्क्रू ड्राइवर होगा, पेचकस जिसको कहते हैं, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, ठीक है, रिस्ट है, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आपके पास होनी चाहिए, जिसके जरिए से आप अपने कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को इकट्ठा जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो बेसिकली मेन टॉपिक है वो ये है कि आपको पार्ट्स दिए गए हैं कंप्यूटर के और उन पार्ट्स को आपस में जोड़ के आपने एक कंप्यूटर को बिल्ड करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूं। तो ये बेसिकली कंप्यूटर के जो है वो हमें बेसिक फंक्शंस ऑपरेशंस दिए गए हैं कि एक कंप्यूटर के ये तमाम ऑपरेशंस हैं जिनको समझते हुए आपने पार्ट्स को आपस में जोड़ना होता है। तो सबसे पहले इनपुट का फंक्शन है, ये वैसे फंक्शंस आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो लेकिन हम दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। यू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर, तो आपको सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस दी गई होंगी, आपने उनको सीखना है कि कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं जो आपकी टेबल पर पड़ी हुई हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है और अदर डिवाइसेस सच एज स्कैनर है, माइक्रोफोन है, कैमरा है, ठीक है, वीडियो कैमरा है। तो ये तमाम वो डिवाइसेस हैं जो कि आपको इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो इनपुट जो है वो डाटा है जो कि टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं और साउंड भी हो सकता है। जो दूसरा चीज है जो कि हमारी है प्रोसेसिंग, क्योंकि आप जब डाटा इनपुट के तौर पर देंगे तो उसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। तो लिहाजा सेकंड नंबर पे प्रोसेसिंग को सीखना पड़ेगा ताकि आपको समझ आ जाएगा कि हम कंप्यूटर को डाटा क्यों दे रहे हैं। वंस इन द कंप्यूटर डाटा कैन बी प्रोसेस्ड, जब आप कंप्यूटर को डाटा देंगे तो उसकी प्रोसेसिंग होगी। नंबर्स कंपेयर्ड और सॉर्टेड, टेक्स्ट फॉर्मेटेड, इमेजेस और साउंड एडिटेड, ये वो तमाम डेटा है जिसकी जो है वो प्रोसेसिंग की जाएगी, यानी उसकी सॉर्टिंग की जा सकती है, उसको कोई शक्ल दी जा सकती है, वो तो कोई तस्वीर की प्रोसेसिंग हो सकती है, या कोई आप साउंड के ऊपर भी कोई चीज़ प्रोसेस कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग होने के बाद अब आप जो तीसरे नंबर पे है, उस आने वाली प्रोसेसिंग के नतीजे में हमें जो रिजल्ट हासिल होता है उसको आपने स्टोर करना होता है। तो सेकेंड जो थर्ड ऑपरेशन है दैट इज आर स्टोरेज। तो
डेटा एंड प्रोग्राम्स नॉट करंटली बींग यूज आर हेल्ड इन स्टोरेज, वो डेटा या प्रोग्राम जिसके ऊपर अभी कोई काम नहीं हो रहा होता उसको कहाँ रखा जाता है, स्टोरेज में रखा जाता है। तो स्टोरेज दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज है एक सेकेंडरी स्टोरेज है। प्राइमरी स्टोरेज कंप्यूटर के इंटरनल सर्किट के ऊपर होती है, जैसे कि रैम होती है, ठीक है, वो कंप्यूटर के इंटरनल स्टोरेज के ऊपर इंटरनल सर्किट के ऊपर होती है, इसीलिए इसको सर्किटरी मेमोरी भी कह सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं, आप इसको कंप्यूटर की रैम भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी दूसरी मेमोरी है जो कि परमानेंट स्टोरेज होती है, जो कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, यहाँ पर ये मेमोरी है जो कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है, जो कि आपके कंप्यूटर के डाटे को परमानेंटली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क है और सीडी ड्राइव है। तो चौथे नंबर पे जब हमारा डाटा स्टोर हो जाता है तो फिर आप किसी भी वक्त उस डाटे को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस का सहारा लेते हैं, जैसे कि मॉनिटर है, स्पीकर्स हैं, प्रिंटर है और अदर डिवाइसेस हैं। इन चीज़ों से जो आप लेंगे दैट इज़ योर इन्फॉर्मेशन, और वही इन्फॉर्मेशन हमारी क्या होगी, आउटपुट होगी, ठीक है। जब आपको आउटपुट हासिल हो जाएगी तो फिर आप आने वाली आउटपुट को मुख्तलिफ जगह पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यानी पांचवें नंबर पे हमें क्या करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास कंप्यूटर के अंदर मौजूद होना चाहिए मॉडेम। मॉडेम जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और आपके कंप्यूटर के ऊपर भी मौजूद हो सकता है, जिसको सर्किटरी मॉडेम भी कह सकते हैं आप। तो जो भी मॉडेम हो, मॉडेम का काम है कम्युनिकेट करना, यानी कि आपके डाटे को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो आमतौर पर आप मॉडेम को इस्तेमाल करेंगे, किस लिए इस्तेमाल करेंगे, ऑफन डाटा और इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय मॉडेम टू और फ्रॉम अदर कंप्यूटर। तो आप मॉडेम आपके कंप्यूटर में मौजूद होना चाहिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ताकि आप अपने जो डाटा है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकें। ट्रांसफर करने के लिए आप ईमेल का सहारा भी ले सकते हैं, पोस्टिंग भी कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, इसके जरिए भी आप कंप्यूटर का डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तो थे वो बेसिक ऑपरेशंस जिनका समझना पहले ज़रूरी है, ताकि आपके कंप्यूटर के पार्ट्स जो आपके सामने पड़े हैं आप सबसे पहले ये अंदाज़ा लगा लें कि वो कौन सी उनमें इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि हार्डवेयर बनाती हैं, तो जो सबसे टॉप मोस्ट कंपनीज हैं जो कि लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जिनके पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ डेल एंड एचपी। तो सबसे पहले आपके पास जो पार्ट्स हैं आपने वो ये पार्ट्स देखने होते हैं कि ये पार्ट्स कंपैटिबल हैं या नहीं है, यानी जो आप हार्डवेयर पार्ट्स आपस में जोड़ रहे हैं या जो पार्ट्स आपने जिस कंपनी के मंगवा लिए हैं, तो पहले ये चेक करें कि वो पार्ट्स आया आपस में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, और वो आपस में एक दूसरे को कंपैटिबिलिटी उनके दरमियान में है या नहीं है। तो ऑल द सिस्टम कंपोनेंट्स यू और एनी वन else choose must be compatible। जो भी सिस्टम के पार्ट्स आप चुने वो आपस में कंपैटिबल होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स ईच ब्रांड मस्ट वर्क विद अदर ब्रांड्स, यानी कि अगर आप डेल के पार्ट्स को एचपी के पार्ट्स के साथ मिलाना चाहते हैं या एचपी के पार्ट्स के को डेल के पार्ट्स के साथ मिलाना चाहते हैं, तो दोनों ब्रांड्स के पार्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ चलें। इफ यू वर्क विद वन कंपनी सच एज डेल एंड एचपी टू कस्टमाइज योर सिस्टम यू वुडंट बी हैव टू वरी अबाउट कंपैटिबिलिटी। तो डेल के पार्ट्स एचपी के साथ अटैच हो जाते हैं, एचपी के पार्ट डेल के साथ अटैच हो जाते हैं, तो हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो जो भी पार्ट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है, तो आपने उनमें तमाम पार्ट्स के इंस्ट्रक्शन को समझना है कि कौन से पार्ट को कहाँ जोड़ना है, और उन पार्ट्स को चलाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी चाहिए जो कि उसका ड्राइवर कहलाएगा। तो जितने भी कंपोनेंट्स आप जोड़ेंगे उन हर कंपोनेंट का आपके पास ड्राइवर का मौजूद होना जरूरी है, अदरवाइज वो कंपोनेंट्स काम नहीं करेंगे। तो अगले जो कंपोनेंट्स हैं जो कि हम सबसे पहले बात करेंगे वो कि हमारे इनपुट हार्डवेयर है, जैसे कि कीबोर्ड है एंड माउस है। What to the two principal input devices keyboard and mouse do? तो हम सबसे पहले इनका बुनियादी उसूल समझेंगे कि ये input devices जो mouse है और keyboard है किस लिए इस्तेमाल होती हैं। Input hardware consists of devices that allow people to put data into the computer in the form that computer can use. तो input devices वो devices हैं जिसके जरिए लोग अपना data computer के हवाले करते हैं ताकि कंप्यूटर उनको इस्तेमाल कर सके। एट मिनिमम यू विल नीड टू थिंग्स कीबोर्ड एंड माउस, जो कि हमारे कम से कम जो दो चीजें हैं जो इस्तेमाल होती हैं, एक कीबोर्ड है और दूसरा माउस है। तो
तो सबसे पहले कीबोर्ड की बात करेंगे, ठीक है। कीबोर्ड जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है। ये प्राइमरी इनपुट डिवाइसेज है, क्योंकि इसको लिए हम आमतौर पर इनपुट का जो हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को, वो आमतौर पर कीबोर्ड के जरिए देते हैं, तो इसलिए इसको प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लेटर्स, नंबर्स एंड अदर कैरेक्टर्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल रीडेबल बाय द प्रोसेसर। तो कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे बटन होते हैं, जिसके ऊपर लेटर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और कैरेक्टर्स भी बने होते हैं, और इसी कीबोर्ड के जरिए जब आप कीबोर्ड का बटन दबाते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, जो कि रीडेबल होता है हमारे कंप्यूटर के दिमाग के लिए, जो कि कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है। अ माइक्रो कंप्यूटर कीबोर्ड लुक लाइक अ टाइपराइटर, आपने कीबोर्ड देखा हुआ है तो वो सेम लाइक टाइपराइटर है, ठीक है। बट बिसाइड्स हैविंग कीज फॉर लेटर्स एंड नंबर्स, इट हैज सेवरल कीज, ए बी सी गिनती, और इसके अलावा भी बहुत सारे कभी कीबोर्ड के ऊपर बटन होते हैं, ठीक है, जिनको आप फंक्शन कीज भी कह सकते हैं, न्यूमेरिक कीज भी कह सकते हैं, जैसे कंट्रोल बटन है, आल्ट का बटन है, डेल का बटन है, ठीक है। तो इन स्पेशल फंक्शन कीज और ये जो कंट्रोल बटन है, आल्ट और डेल का कीज है, इन सब का एक स्पेसिफिक टास्क है। आफ्टर अदर कॉम्पोनेंट्स आर असेंबल्ड, तमाम दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में जोड़ने के बाद, द कीबोर्ड विल बी प्लग्ड इनटू द बैक ऑफ द कंप्यूटर इन सॉकेट इंडेंट फॉर दैट पर्पस। तो तमाम कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने के बाद कीबोर्ड को भी आप कंप्यूटर की बैक साइड पर इसकी तार को लगाएंगे, ताकि आप इसके मकसद को हासिल कर सकें। तो इसकी जो सॉकेट होती है वो एक फिक्स सॉकेट होती है, जिसके अंदर आप इसको लगाएंगे। लेकिन आजकल यूएसबी कीबोर्ड भी हैं, आपकी यूएसबी कीबोर्ड को भी आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा कॉर्डलेस कीबोर्ड यानी वायरलेस कीबोर्ड भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि आप जो है ब्लूटूथ के जरिए अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके बाद है माउस, जो कि हमारी सेकंड इनपुट डिवाइस है। अ माउस इज अ नॉन कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, ये कीबोर्ड नहीं होता, एक छोटी सी पॉइंटिंग डिवाइस है। इसी माउस के जरिए आप कंप्यूटर के ऊपर पॉइंटर्स को स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल करते हैं। पॉइंटर क्या होता है, जो एक तीर का निशान है, ठीक है। जैसे ये मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये जो माउस के जरिए मैं कर रहा हूँ, तो ये जो आपको तीर का निशान नजर आ रहा है, ये दैट इज कॉल्ड पॉइंटर। तो इसको मैं मूव करने के लिए माउस का सहारा लूंगा। तो माउस को भी आप तमाम कंपोनेंट को असेंबल करने के बाद माउस को भी आप कीबोर्ड की तरह कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे। तो माउस की भी एक सॉकेट होती है, जिसके अंदर आप उसकी तार को अटैच कर उसका प्लग लगाएंगे, ठीक है, उसकी पिन को लगाएंगे। और इसके अलावा कीबोर्ड की तरह माउस का भी जो है वो यूएसबी पोर्ट के अंदर भी अवेलेबल है। इसके अलावा कॉर्डलेस माउस भी हैं, यानी वायरलेस माउस भी हैं, जो कि अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनको आप ब्लूटूथ के जरिए अपने सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बाद हमें चाहिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में हम देखेंगे क्या हमें चाहिए। सबसे पहले, हाउ डू आई डिस्टिंग्विश द प्रोसेसिंग एंड मेमोरी डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर। तो मैं किस तरह से मेमोरी डिवाइसेस को आपस में उनका फर्क देखूंगा कि कौन सी मेमोरी डिवाइस कौन से पर्पस के लिए इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहले है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर आर द प्रोसेसिंग एंड मेमोरी डिवाइसेस, ठीक है। जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो प्रोसेसिंग है, और इसके अलावा मेमोरी डिवाइसेस इस्तेमाल होंगी, विच आर इंस्टॉल्ड इन द केस ऑफ सिस्टम कैबिनेट। तो जो कंप्यूटर की बॉडी होती है, जैसे आपको ये केस नजर आ रहा है, ये कंप्यूटर की बॉडी है, ठीक है, इसी के अंदर वो तमाम पुर्जे जो हमारी प्रोसेसिंग है और मेमोरी डिवाइसेस हैं, वो इसके अंदर अटैच होंगी। तो सबसे पहले है केस एंड पावर सप्लाई, आल्सो नोन एज द सिस्टम यूनिट। इस जो डब्बा आपको केस नजर आ रहा है, इसको आप सिस्टम यूनिट भी कह सकते हैं। अ सिस्टम कैबिनेट इज द बॉक्स दैट हाउस इज द प्रोसेसर चिप। तो ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, इसी के अंदर जो है प्रोसेसर की चिप लगती है, जिसको आप सीपीयू कहते हैं। द मेमोरी चिप्स एंड द मदरबोर्ड विद पावर सप्लाई एज वेल एज सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें लगी होंगी, इसके अंदर मेमोरी चिप्स होंगी जो कि मदरबोर्ड के ऊपर होंगी, इसके अंदर ही मदरबोर्ड होगा हमारा, इसी के अंदर ही पावर सप्लाई लगेगी, इसी के अंदर हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लगेंगी। तो इस केस के अंदर हमारी तमाम चीजें लगी हुई होंगी। इसकी फ्रंट साइड पे आप फ्लॉपी डिस्क लगाएंगे, इसी के अंदर आप फ्रंट साइड पे सीडी ड्राइव या सीडी रोम लगाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारी सीडी रोम लगा हुआ है, ये नीचे हमारी फ्लॉपी डिस्क लगी हुई है। द केस जनरली कम्स इन डेस्कटॉप और टावर मॉडल्स। तो ये मेरे पास जो मॉडल है, ये डेस्कटॉप टावर मॉडल है। इसके अलावा जो अगर आप इसको
बिल्कुल हॉरिजेंटल पे ले आएंगे तो वो हमारा डेस्कटॉप मॉडल बन जाएगा। तो ये मेरे पास इस वक्त टावर मॉडल है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द पावर सप्लाई यूनिट एंड फैन टू कीप द सर्किटरी फ्रॉम ओवरहीटिंग। इसके अंदर बहुत सारे फैन भी बैक साइड पे लगे होते हैं, ठीक है। साइड में भी फैन नजर आ रहे होंगे, तो ये आपको साइड में फैन नजर आ रहे होंगे, ठीक है। दो फैन, तो ये कंप्यूटर के अंदर जमा होने वाली हीट को बाहर निकालेंगे ताकि कंप्यूटर हमारा ज्यादा हीट होने से बच जाए। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर लगी होती है प्रोसेसर चिप, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वक्त ये जो आपको नजर आ रही है, दैट इज आवर प्रोसेसर। ये हमारा प्रोसेसर है जो कि बहुत सारी सर्किट से मिलकर बना होता है, ठीक है। इट मे बी स्मॉल एंड नॉन लुक लाइक मच, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा बड़ा सर्किट नहीं होता, ठीक है। तो ज्यादातर नजर भी नहीं आएगा आपको, ये बहुत ही इसके ऊपर जो है सिंक लगा होता है, उसके ऊपर फैन लगा होता है, तो ये बहुत ही नीचे उसके लगा होता है, तो ये आपको इतनी आसानी से नजर नहीं आएगा, ठीक है। इट कुड बी द मोस्ट एक्सपेंसिव हार्डवेयर कॉम्पोनेंट ऑफ अ बिल्ड इट योर सेल्फ पीसी एंड डाउटलेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर के एक दिमाग को सिलेक्ट करते वक्त ही सबसे ज्यादा हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि इसी की स्पीड की वजह से आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाया जाएगा। तो लिहाजा पूरे कंप्यूटर का पार्ट्स अलग और ये सिर्फ एक दिमाग अलग। तो कंप्यूटर को लेते वक्त सबसे पहले हमें उसके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड का जो है वो देखना पड़ता है कि कौन से प्रोसेसर को आप कंप्यूटर में लगाना चाहते हैं और आपको किस स्पीड का प्रोसेसर चाहिए जो कि आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। अ प्रोसेसर चिप सीपीयू फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अ टेन ए पीस ऑफ सिलिकॉन दैट कंटेन मिलियंस ऑफ मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ठीक है। तो एक प्रोसेसर होता है जिसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, जो कि सिलिकॉन पीस, जो कि एक सिलिकॉन का पीस होता है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ जो सर्किट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक के वो इंस्टॉल किए गए होते हैं। तो इसकी जो स्पीड होती है वो मेगाहर्ट्ज़ में भी हो सकती है, गीगाहर्ट्ज़ में भी हो सकती है, ठीक है। मेगाहर्ट्ज़ छोटा यूनिट है, गीगाहर्ट्ज़ बड़ा यूनिट है। तो अगर आपके पास पैसे कम है तो आपको जो स्पीड मिलेगी वो मेगाहर्ट्ज़ में मिलेगी, अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप गीगाहर्ट्ज़ के स्पीड के प्रोसेसर भी खरीद सकते हैं। तो जितने पैसे आप लगाएंगे, ज्यादा पैसे लगाएंगे तो ज्यादा गीगाहर्ट्ज़ के स्पीड का प्रोसेसर आपको मिलेगा, तो जिससे आपकी स्पीड जो है कंप्यूटर की वो बढ़ जाएगी, जिससे आप उससे उसी हिसाब से अपनी प्रोसेसिंग का काम भी ले सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग चिप। तो प्रोसेसर चिप के बाद कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर एक मेमोरी चिप होती है जिसको आप रैम कहते हैं। तो इस तरफ आपको नजर आ रही है, ये जो है वो रैम है जो कि हमारे मदरबोर्ड के ऊपर ही लगी होती है। तो यहां पर मैं आपको दिखा दूं, तो ये हमारा मदरबोर्ड है, ये जो आपको नजर आ रही है मदरबोर्ड है, ठीक है। ये आपका जो है प्रोसेसर है, ठीक है, ये जो लगा हुआ यहां पर प्रोसेसर होता है, और ये जो है ये स्लॉट है, यहां पर आपकी रैम लगी होती है, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर की आपको स्लॉट नजर आ रही है, ये हमारी रैम की स्लॉट है। तो अभी हम जो है रैम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दीज चिप्स आर ऑल्सो स्मॉल मेमोरी चिप्स, ये भी कोई बड़ी चिप नहीं होती, स्मॉल होती है, लेकिन इसको आप मदरबोर्ड के ऊपर लगाएंगे। ऑल्सो नोन एज रैम, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसको आप प्राइमरी स्टोरेज भी कह सकते हैं, इसको टेम्परेरी स्टोरेज भी कह सकते हैं, इसको वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की जितनी भी डाटे की प्रोसेसिंग हो रही होती है वो रैम में हो रही होती है, और यहीं पर हमारी वो जो प्रोसेसर है हमारे डाटे को कन्वर्ट कर रहा होता है इंफॉर्मेशन में, ठीक है। तो प्रोसेसिंग के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो भी रैम के जरिए ही मिलती है, ठीक है। तो बिफोर इट इज सेंट अलोंग टू एन आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस, तो किसी चीज को स्टोरेज डिवाइस की तरफ भेजने से पहले जो कंप्यूटर हमारे डाटे को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन जनरेट करता है वो हमारे रैम में ही मौजूद होती है। यू विल वॉन्ट इनफ मेमोरी चिप टू होल्ड एटलीस्ट 1 GB और रफली 1 billion characters ऑफ डाटा विच इज एडिक्वेट फॉर मोस्ट स्टूडेंट purposes। देखिए सारा काम हमारा जो रैम सारा काम जो हमारा है वो रैम में हो रहा होता है, तो इसकी मेमोरी का जो साइज होता है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपके मेमोरी जो रैम की है वो ज़्यादा होगी तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड भी उस हिसाब से बढ़ जाएगी, ज़्यादा डाटा को प्रोसेस कर सकेगा और बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकेगा, और जो है इसी से आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो लिहाजा रैम की ही मदद से जो है कंप्यूटर की स्पीड को
और हमारे प्रोसेसर की स्पीड को और उसकी एबिलिटीज को आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा मदरबोर्ड, आल्सो कॉल्ड द सिस्टम बोर्ड, ठीक है, इसको आप सिस्टम बोर्ड भी कह सकते हैं। ये जो आपको पूरा सर्किट नजर आ रहा है, ठीक है, ये पूरा सर्किट, ये हमारा मदरबोर्ड है। दिस इज द बिग ग्रीन सर्किट, तो ये आपको पूरा जो सर्किट नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, ये पूरा सर्किट ही आपका मदरबोर्ड कहलाता है। इस मदरबोर्ड के ऊपर ही तमाम चीजें आकर अटैच होती हैं, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं जिसके साथ आप बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको ये व्हाइट कलर की पोर्ट नजर आ रही होगी, ये वाली, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एक्सपेंशन स्लॉट्स। अगर आपके मदरबोर्ड के ऊपर अगर आप कोई चीज बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आप अपना साउंड कार्ड लगाना चाहते हैं, वो इस एक्सपेंशन स्लॉट में लगा सकते हैं। अगर आप जो है इसके अंदर कोई टीवी कार्ड लगाना चाहते हैं, टीवी भी चलाना चाहते हैं, तो आप इस एक्सपेंशन स्लॉट में लगा के आप जो है उसकी फंक्शनैलिटी को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और चीज नजर आ रही है, अगर आपके कंप्यूटर के ग्राफिक्स कम है तो ये जो ब्लैक कलर की स्लॉट नजर आ रही है, इसके अंदर आप वीडियो कार्ड वगैरह लगा के आप जो है हाई ग्राफिक्स के साथ जो है अपने कंप्यूटर के ऊपर ग्राफिक्स का काम भी ले सकते हैं, गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, ठीक है। ये बायोस की चिप है जो कि कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट यूनिट है, जो कि कंप्यूटर को बताएगा कि कौन सी चीज इनपुट के तौर पर मदरबोर्ड के साथ लग रही है और कौन सी चीज आउटपुट के तौर पर आपकी यहाँ पर काम करेगी, ठीक है। ये जो है ये रैम की चिप है, यहाँ पर आप मदरबोर्ड के ऊपर जो है रैम लगाएंगे। ये जो चिप है ये नजर आ रही है आपको, ये रैम की चिप है जो आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चिप है ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर आप अपनी हार्ड डिस्क अटैच करेंगे, ठीक है। अब हार्ड डिस्क क्या होती है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो नीचे आपको यहाँ पर आपको पूरा केस खोल के भी दिखाया हुआ है, तो ये आपको अभी मैंने जो चीजें डिस्कस की हैं कौन सी चीज कहाँ अटैच होगी, तो कीबोर्ड और माउस को आप सिस्टम की बैक साइड पे अटैच करेंगे, इस सर्किट को उठा के कंप्यूटर के अंदर लगाएंगे। इसी के अंदर आपको ये ब्लैक कलर का जो है फैन नजर आ रहा है जो कि कंप्यूटर की अंदर होने वाली हीट को बाहर सेंड करेगा, और ये आपको पावर सप्लाई नजर आ रही है, ठीक है। और ये बहुत सारी केबल्स हैं, ठीक है, जो कि अंदरूनी तौर पर बहुत सारी डिवाइसेस के साथ अटैच होंगी, जिनमें फ्रंट साइड पर लगने वाला सीडीरोम हो सकता है और यहाँ पर आपका जो है वो फ्लॉपी डिस्क भी हो सकती है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर आप एक हार्ड डिस्क लगाएंगे जो कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा होता है जो कि परमानेंट स्टोर होगा वो आपका इसी हार्ड डिस्क के अंदर अटैच होगा, सेव होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज हार्डवेयर यानी हार्ड ड्राइव एंड सीडी ड्राइव। तो कंप्यूटर को बनाते वक्त हमने हार्ड डिस्क का भी देखना होता है कि कितनी स्टोरेज कैपेसिटी आपके कंप्यूटर को चाहिए, कितना डाटा आपके पास है जो कि आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो क्योंकि डाटा आपने परमानेंट स्टोर करना होता है, लिहाजा आपने इसके बारे में ज्यादा सोचना होता है कि कितनी कैपेसिटी का कंप्यूटर आप बनाना चाहते हैं, कितना डाटा आप उसके अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं। विद द मदरबोर्ड इन द सिस्टम कैबिनेट द नेक्स्ट स्टेप इज इंस्टॉलेशन ऑफ द स्टोरेज हार्डवेयर, ठीक है। जब आप कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड को लगा लेंगे तो नेक्स्ट हमारा काम है कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज हार्डवेयर को लगाएं, ठीक है। तो टेम्पोरेरी स्टोरेज, स्कैंडी स्टोरेज और परमानेंट स्टोरेज, ठीक है। तो टेम्पोरेरी स्टोरेज में आप अपने कंप्यूटर में रैम को लगाएंगे और परमानेंट स्टोरेज में आप अपने कंप्यूटर में अपने जो है मुख्तलिफ डिवाइसेस को अटैच करेंगे, ठीक है। फॉर टूडे स्टूडेंट पर्पजेस यू विल नीड अ हार्ड ड्राइव, तो अपने कंप्यूटर में आप हार्ड डिस्क लगाएंगे, सीडी ड्राइव लगाएंगे, ठीक है। और पुराने सिस्टम्स जो थे उनके अंदर जो है पुरानी चीजें लगती थी, ठीक है, जिनको आप लेजेसी सिस्टम्स भी कहते हैं, उनके अंदर मौजूद होती थी फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो पुराने सिस्टम के अंदर फ्लॉपी डिस्क भी लगाई जाती थी, लेकिन आजकल फ्लॉपी डिस्क का जमाना नहीं है, तो ज्यादातर हम हार्ड ड्राइव लगाएंगे और सीडी ड्राइव लगाएंगे। दी स्टोरेज डिवाइसेस स्लाइड इनटू द सिस्टम कैबिनेट फ्रॉम द फ्रंट एंड आर सिक्योर्ड विद स्क्रूअर्स, ठीक है। तो इन स्टोरेज डिवाइसेस को आप कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अंदर लगाएंगे, ठीक है, और इनके साथ नट भी लगेगा, आप नट के जरिए इन कंप्यूटर तो कंप्यूटर के अंदर लगाने के बाद अपनी हार्ड डिस्क को अपने मदरबोर्ड के साथ अटैच करने के लिए आपको केबल का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसको आप रिबन केबल कहेंगे, क्योंकि मदरबोर्ड का सर्किट अलग होता है और सीडी रोम और आपकी हार्ड डिस्क डिवाइस अलग होती है। तो सीडी रोम और हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ अटैच करने के लिए आपको केबल लगानी पड़ेगी, तो केबल लगाने के लिए जिस केबल का सहारा लेंगे उसको आप रिबन केबल कहेंगे,
ठीक है। इसी तरह आप जो पावर सप्लाई है मदरबोर्ड को देंगे, ठीक है, वो भी आप प्लग करेंगे, तो मदरबोर्ड के ऊपर जो है पावर सप्लाई की भी बहुत सारी जगह होती है, जैसे ये आपको नजर आ रही है वाइट कलर की, यहाँ पर आप पावर सप्लाई लगाएंगे, जो कि मैं आपको ये बॉक्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये पावर सप्लाई है जिसको आप करंट देंगे तो करंट मदरबोर्ड में आएगा, तो मदरबोर्ड में करंट लाने के लिए आपको इसके अंदर पावर सप्लाई का जैक लगाना पड़ेगा, तो मदरबोर्ड में भी करंट आना शुरू हो जाएगा। तो दीज आर दी स्टोरेज डिवाइसेस जो कि हम कंप्यूटर में अटैच करेंगे, ठीक है। तो स्टोरेज किस हिसाब से काम करेगी, एक करेक्टर जो होता है वो एक बाइट का होता है, इसी तरह 1024 बाइट्स मिलेंगे तो 1 किलोबाइट बनेगा, फिर 1024 किलोबाइट मिलेंगे तो 1 मेगाबाइट बनेगा, फिर 1024 मेगाबाइट बनेंगे तो 1 गीगाबाइट बनेगा, और 1024 गीगाबाइट मिलेंगे तो 1 टेराबाइट बनेगा, फिर 1024 टेराबाइट मिलेंगे तो 1 पेंटाबाइट बनेगा। तो ये पेटाबाइट लिखा हो, ये पेंटाबाइट होगा, ठीक है। तो इस स्टोरेज कैपेसिटी के यूनिट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी हार्ड डिस्क को परचेज करना होता है कि आपने हार्ड डिस्क मेगाबाइट में लेनी है, गीगाबाइट में लेनी है या टेराबाइट में लेनी है। तो पाकिस्तान में जो है वो टेराबाइट तक आ चुकी है, ठीक है, 1 TB तक, 2 TB तक, 3 TB तक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर लोग 500 GB की भी हार्ड डिस्क को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट जो है फ्लॉपी डिस्क है, जो कि पुरानी स्टोरेज मीडियम है, आजकल इसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, इतनी ज्यादा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती। तो पुराने वक्तों में यानी कि आज से तकरीबन 15-20 साल पहले जो कंप्यूटर्स थे उनके अंदर यही फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होती थी स्टोरेज मीडियम के लिए, तो इतनी ज़्यादा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती थी, जो कि आज की जो मीडियम है उनकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर डाटा ऑन रिमूवेबल 3.5 इंच डायमीटर डिस्केट्स, ठीक है। डिस्केट्स का मतलब होता है कि इस फ्लॉपी डिस्क के अंदर एक डिस्क होती है, ठीक है, और बहुत ही पतली डिस्क होती है, ठीक है। तो उस जिस तरह आज की सीडी होती है इसी तरह की इसके अंदर डिस्क होती है, इसीलिए इसको डिस्केट्स कहते हैं। दीज डिस्केट्स विच आर नाउ यूज्ड मोस्टली ऑन फेयरली ओल्ड माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स, तो पुराने कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती थी, डोंट सीम टू बी फ्लॉपी बिकॉज दे आर इनकेस्ड इन हार्ड प्लास्टिक, बट द माई लेयर डिस्क इनसाइड इज इनडीड फ्लेक्सिबल और फ्लॉपी। जो डिस्क इस फ्लॉपी डिस्क के अंदर लगी होती है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ही नाजुक सी होती है। कभी अगर आपको फ्लॉपी डिस्क पुरानी मिल जाए, अगर आप उसको खोल के देखें तो वो उसको आप मोड़ भी सकते हैं, ठीक है, वो हार्ड नहीं होती, बिल्कुल ही लचकीली सी होती है, ठीक है, बहुत ही नाजुक होती है। इसको थोड़ा सा भी आप जरा इसको दबाएंगे तो फ्लॉपी जो अंदर फ्लेक्सिबल जो डिस्क है वो डैमेज हो जाएगी और ये फ्लॉपी बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी। तो फ्लॉपी को चलाने के लिए आपके कंप्यूटर में फ्लॉपी जो है ड्राइव होनी चाहिए, ठीक है, ड्राइव इंस्टॉल होनी चाहिए, तो जो कि आपके कंप्यूटर की फ्रंट साइड पर मौजूद होगी, ठीक है। फ्लॉपी को लगाने के लिए आप फ्लॉपी को कंप्यूटर के बिल्कुल सामने फ्लॉपी ड्राइव की उस स्लॉट के सामने रखेंगे और इसको पुश कर देंगे तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो अंदर मूव करेगी, ठीक है। इसके साथ एक बटन होता है, जब आप उस बटन को दबाएंगे तो फ्लॉपी डिस्क बाहर निकल आएगी। इसी तरह हार्ड ड्राइव है, तो हार्ड डिस्क जो है वो उसकी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसी कैपेसिटी के हिसाब से आपने इसको खरीदना होता है, ठीक है। इसके अंदर एक डिस्क होती है जिस तरह की आपको ये नजर आ रही है, ये इसका एक आपको हेड नजर आ रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं रीड राइट हेड। तो ये आपकी एक स्टील की प्लेट है जिसके दरमियान में एक मोटर है, ये मोटर चलेगी और ये डिस्क घूमेगी और ये रीड राइट हेड जो है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जिससे वो डाटा रीड भी कर सकेगा और राइट भी कर सकेगा, ठीक है। तो आप इसको कंप्यूटर के अंदर लगा भी सकते हैं केबल के जरिए और इसको उतार भी सकते हैं। इसके बाद है सीडी रोम, ठीक है, तो डीवीडी भी मिलती है, सीडी भी मिलती है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको कहते हैं, ठीक है। तो आमतौर पर आजकल सीडीज के ऊपर ही आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी मार्केट में अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं, डीवीडी के ऊपर भी मिल जाते हैं, डीवीडी की कैपेसिटी सीडी से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो
आमतौर पर ये जो डिस्क है ये एक लंबे अरसे तक जो है वो कारामद नहीं है, ठीक है। तो सीडी को या डीवीडी को आप अपने कंप्यूटर में चलाने के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर सीडी रोम का मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके सीडी रोम के बटन को दबाएंगे तो ट्रे बाहर आएगी, सीडी को उसके अंदर रखेंगे और फिर वापस बटन को प्रेस करेंगे तो सीडी अंदर मूव कर जाएगी और लेंस जो है वो सीडी का जो लेंस होता है वो सीडी को रोटेट करेगा, ठीक है। मोटर रोटेट करेगी, लेंस जो है वो उसके ऊपर डेटा को रीड करेगा और कंप्यूटर आपको स्क्रीन पर शो करा देगा कि कंप्यूटर के अंदर सॉरी सीडी के अंदर कौन सा डेटा मौजूद है, जिसको आप कंप्यूटर के अंदर कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, और सीडी के जरिए भी चला सकते हैं। तो नेक्स्ट है दैट इज आउटपुट हार्डवेयर। तो आउटपुट के लिए आप जो है वो वीडियो या साउंड कार्ड मॉनिटर स्पीकर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट हार्डवेयर आर स्टैंडर्ड विद द पीसी, तो कौन से आउटपुट हार्डवेयर जो है आपको चाहिए जो आप कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं। आउटपुट हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस दैट ट्रांसलेट इन्फॉर्मेशन प्रोसेस बाय द कंप्यूटर इन टू अ फॉर्म दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, यानी हमारा जो डाटा होगा जिसको कंप्यूटर प्रोसेस कर चुका होगा तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। अब उस इन्फॉर्मेशन को अब आप जिस डिवाइस के जरिए देखेंगे ताकि आप उसको समझ सकें, उस डिवाइस को आप आउटपुट हार्डवेयर कहेंगे, ठीक है। तो आप प्रिंट ले सकते हैं, आउटपुट है। अगर आपका स्पीकर साउंड प्ले कर रहा है वो भी आउटपुट है। अगर आपको स्क्रीन पर कोई ग्राफ नजर आ रहा है वो भी आउटपुट है। अगर आपको कोई वीडियो नजर आ रही है वो भी आउटपुट है, ठीक है। नाउ अ वीडियो कार्ड एंड साउंड कार्ड नीड टू बी इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम कैबिनेट। तो सिस्टम यूनिट के अंदर आपका वीडियो कार्ड होना चाहिए ताकि आप डिस्प्ले देख सकें, साउंड कार्ड होना चाहिए ताकि आपका जो स्पीकर है वो साउंड प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट द मोनिटर स्पीकर्स एंड अ प्रिंटर आर प्लग्ड इन। तो अगर आप जो आउटपुट लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर के अंदर आपका मोनिटर होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, स्पीकर अटैच होना चाहिए, और अगर आप कोई प्रिंटर प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंटर भी अटैच कर सकते हैं। दिस इज अ गुड प्लेस टू इंट्रोड्यूस द टर्म पेरिफेरल डिवाइसेस। ये तमाम डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होंगी इन तमाम डिवाइसेस को आप पेरिफेरल डिवाइसेस कहेंगे। अ पेरिफेरल डिवाइसेस इज एनी कंपोनेंट और पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट एक्सपेंड्स अ कंप्यूटर्स इनपुट स्टोरेज एंड आउटपुट कैपेबिलिटीज। तो वो तमाम चीज़ें जिससे कंप्यूटर की चीज़ों के जो जैसे इनपुट है, स्टोरेज एंड आउटपुट कैपेबिलिटीज में इंक्रीमेंट आता है, उन तमाम डिवाइसेस को आप पेरिफेरल डिवाइसेस कहेंगे। इन अदर वर्ड द पेरिफेरल डिवाइस इज अ नॉट पार्ट ऑफ इसेंशियल कंप्यूटर, यानी ये वो पार्ट नहीं है जिनको कंप्यूटर के साथ लगाना जरूरी है, लेकिन अगर आप इनको कंप्यूटर के साथ अटैच कर लें तो कंप्यूटर की ओवरऑल फंक्शनैलिटीज में इजाफा होता है, जैसे प्रिंटर है या डिस्क ड्राइव है, ठीक है। तो प्रिंटर अटैच करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच कर लेते हैं तो ओवरऑल फंक्शनैलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। इसके अलावा वीडियो कार्ड है, ठीक है। वीडियो कार्ड जो है ये तो कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले लेने के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर वीडियो कार्ड का होना ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो कार्ड की जो वीडियो कार्ड के अंदर ही आपके मॉनिटर की केबल अटैच होगी, ठीक है। मॉनिटर की केबल आपके वीडियो कार्ड के अंदर ही अटैच होगी, तो वीडियो कार्ड जो है आपका जो है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले प्रोवाइड करेगा। तो अ वीडियो कार्ड कन्वर्ट द प्रोसेसर आउटपुट इन्फॉर्मेशन इन टू अ वीडियो सिग्नल्स दैट कैन बी सेंड थ्रू अ केबल टू द मॉनिटर, ठीक है। तो ये वही फंक्शनैलिटी जो है जो मैंने आपको बता दी है कि वीडियो कार्ड जो है मॉनिटर के साथ अटैच होगा केबल के जरिए, और जो भी चीज़ प्रोसेस होगी अंदर उसको वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद मॉनिटर के ऊपर आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कार्ड को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर लगा के, जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाई थी एक्सपेंशन स्लॉट वीडियो कार्ड की कौन सी है, तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये वो मदरबोर्ड की स्लॉट है जिसके अंदर आप वीडियो कार्ड को अटैच करेंगे, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर की आपको एक्सटेंशन स्लॉट नज़र आ रही है इसके अंदर हम वीडियो कार्ड अटैच करेंगे अगर आप अपने कंप्यूटर के ग्राफिक्स को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है दैट इज साउंड कार्ड, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर के स्पीकर से आवाज़ आए तो आपके कंप्यूटर में साउंड कार्ड का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो साउंड कार्ड का काम क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करना होता है। तो साउंड कार्ड आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ होगा जिसके जिसके अंदर जो है कुछ पोर्ट्स होंगी, उन पोर्ट्स के अंदर जो है आप अपने स्पीकर्स के तारों को लगाएंगे, ठीक है।
तो एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर भी आप साउंड कार्ड को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और बाद का जो है इंटरनली मदरबोर्ड के अंदर ही हमारा साउंड कार्ड भी लगा हुआ होता है, तो आपको बाहर एक्सपेंशन स्लॉट में साउंड कार्ड का सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है हमारा मॉनिटर। द मॉनिटर इज द डिस्प्ले डिवाइस दैट टेक्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द वीडियो कार्ड एंड फॉर्म्स एन इमेज यूजिंग पॉइंट्स ऑफ कलर्ड लाइट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो केबल के जरिए आप अपने मॉनिटर को वीडियो कार्ड के साथ अटैच करते हैं, जिससे आपको सिग्नल रिसीव होंगे और उन सिग्नल्स को मॉनिटर जो है वो इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको स्क्रीन पर कलरफुल दिखाएगा, ठीक है। आफ्टर द सिस्टम कैबिनेट हैज बीन क्लोज्ड अप द मॉनिटर विल बी कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ अ केबल टू द बैक ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। जब आप अपने सिस्टम बॉक्स को मुकम्मल कर लेंगे तो बैक साइड पर आप वीडियो कार्ड के अंदर केबल लगाएंगे मॉनिटर की, ठीक है। द पावर कोड फॉर द मॉनिटर विल बी प्लग्ड इन टू अ वॉल प्लग, और अगर आप कंप्यूटर जो मॉनिटर है उसकी दो तारें होंगी, एक आप कंप्यूटर की बैक साइड पर लगाएंगे जिससे कंप्यूटर आपको वीडियो सिग्नल सेंड करेगा मॉनिटर पर नजर आएगा, और कंप्यूटर इस मॉनिटर को बिजली देने के लिए दूसरी तार होगी जिसको आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी में लगाएंगे। सो नेक्स्ट है पेयर ऑफ स्पीकर्स, ठीक है। तो साउंड कार्ड के साथ आप स्पीकर्स को जब तक अटैच नहीं करेंगे तो स्पीकर से साउंड आपको नहीं मिलेगा, तो लिहाजा आपके पास स्पीकर्स का होना ज़रूरी है ताकि आप अपने कंप्यूटर के साथ स्पीकर्स को अटैच करके उनसे साउंड वगैरह हासिल कर सकें। उसके बाद प्रिंटर है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि अगर आप कंप्यूटर के अंदर नज़र आने वाले डाटा है अगर उसका आप हार्ड फॉर्म में प्रिंट देना चाहते हैं तो फिर आप आउटपुट डिवाइस के तौर पर प्रिंटर को अटैच करेंगे ताकि आप उससे टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कागज़ के ऊपर उसका प्रिंट आउट ले सकें, ठीक है। तो प्रिंटर के अंदर भी दो तारें लगेंगी, एक तार आप कंप्यूटर की बैक साइड पे लगाएंगे और दूसरी तार आप इसकी बिजली में लगाएंगे। बिजली से प्रिंटर ऑन होगा और जो तार आप कंप्यूटर की बैक साइड पे लगाएंगे उस तार के जरिए कंप्यूटर के जरिए आप जो भी प्रिंट की कमांड देंगे उसी कमांड को फॉलो करते हुए प्रिंटर जो है वो प्रिंट निकालेगा और कागज़ पर आपको टेक्स्ट या ग्राफिक्स प्रिंट करके दे देगा। सो नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, यानी आपके पास मोडेम का होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अपने कंप्यूटर से डाटे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर में इस सर्किट का होना ज़रूरी है जिसको आप मोडेम कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो मोडेम एक डिवाइस है जो कि सेंडर के पास भी होना ज़रूरी है और रिसीवर के पास भी होना ज़रूरी है। तो टेलीफोन लाइन्स टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर, तो टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए हम डाटे को सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ। तो जब भी आप टेलीफोन लाइन के जरिए डाटा सेंड करेंगे, चाहे आप सेंडर हैं चाहे रिसीवर हैं, तो दोनों के पास मोडेम का होना ज़रूरी है। तो मोडेम को भी आप मदरबोर्ड के ऊपर एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर लगाएंगे, ठीक है। बाज़ अवकात एक्सपेंशन स्लॉट के अलावा भी मोडेम के अंदर ही सॉरी मदरबोर्ड के अंदर ही हमारा मोडेम मौजूद होता है, तो आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये तमाम डिवाइसेज हैं, ठीक है, जो कि पार्ट्स हैं जिसको अभी हमने डिस्कस किया, कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं, कौन से आउटपुट डिवाइसेज हैं, कौन से इनपुट डिवाइसेज हैं और वो कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जो कि आपको दी जाएंगी, और उन तमाम डिवाइसेज को आपने सेलेक्ट करना है और उनको आपस में कनेक्ट करना है ताकि आप एक अच्छा पीसी बिल्ड कर सकें। तो आज का हमारा जो असल मकसद था वो यही था कि हम उन तमाम पार्ट्स के बारे में सीखें जिनको आपस में जोड़ने के बाद आप एक कंप्यूटर को बना सकते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को चला सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि हम तमाम पार्ट्स जो आपको दें उन तमाम पार्ट्स को आपने कैसे जोड़ना है ताकि आप एक कंप्यूटर को तामीर कर सकें, उसको बिल्ड कर सकें और अपने कंप्यूटर को चला सकें। अब हमने कंप्यूटर बना लिया है, हार्डवेयर को आपस में जोड़ लिया है, हमने कीबोर्ड भी लगा लिया है, हमने माउस भी लगा लिया है, हमने मदरबोर्ड भी लगा लिया है, मॉनिटर भी अटैच कर लिया है, यानी हमने इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सब कुछ लगा लिया है, एक कंप्यूटर बना लिया है। अब हमने अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा तो ये हमारा सारा हार्डवेयर तो अटैच हो गया, अब इस हार्डवेयर को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। इस हार्डवेयर को चलाने के लिए अब हमें चाहिए क्या, वो चाहिए हमें सॉफ्टवेयर।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि आज का जो टॉपिक था वो हमारा ये था कि हमने तमाम हार्डवेयर पार्ट्स जो कि इनपुट होते हैं, प्रोसेसिंग वाले होते हैं, आउटपुट वाले होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन वाले होते हैं, इन तमाम पार्ट्स को समझना है और इन फिर इन तमाम पार्ट्स को, जो पार्ट्स मदरबोर्ड के ऊपर जुड़ेंगे उनको वहाँ जोड़ना है, पावर सप्लाई को कहाँ लगाना है, हार्ड डिस्क को कहाँ लगाना है, सीडी रोम को कहाँ लगाना है, रैम को कहाँ लगाना है, वीडियो कार्ड को कहाँ लगाना है, माउस को कहाँ लगाना है, फिर कीबोर्ड को कहाँ लगाना है, मॉनिटर कैसे काम करेगा, प्रिंटर कैसे काम करेगा, इन तमाम पार्ट्स को आपस में आपको जोड़ना आना चाहिए, ठीक है। अब आपने तमाम पार्ट्स को जोड़ना सीख लिया, अब नेक्स्ट अब हम इसके अंदर अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे ताकि अब हम इस हार्डवेयर को इस्तेमाल कर सकें। तो उम्मीद है आज के टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आई होगी। तो आप इस पेज नंबर के ऊपर जो है जाकर आप इसको रिवाइज करें, ठीक है, और कमेंट्स में आप जो है अपना कोई भी सवाल हो वो अटैच कर दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो इस बुक की जो सॉफ्ट फॉर्म है वो मैंने साइट के ऊपर भी अपलोड कर ली है, ठीक है, जो कि साइट का नेम मैं आपको वीडियो में शेयर करवा दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी शो करवा दूंगा, तो आप वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करके बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।